नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है आईफोन 11 और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आईफोन 11 है तो आप किस तरह से अपने आईफोन 11 में सफारी ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर ला सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना ये होता है कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्पीड टेस्ट, तो कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मोबाइल के साइट पे नहीं खुलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ओपन करने की कोशिश करूँ तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल गया है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं, इसी को मैं किसी और आईफोन में खोलता हूँ तो ये नहीं खुलता है, बाई मिस्टेक यहाँ पे खुल गया है। तो ओवरऑल मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि आप डेस्कटॉप मोड पर कैसे ला सकते हो अपने ब्राउज़र को। तो डेस्कटॉप मोड में अपने ब्राउज़र को लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ए वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करोगे ना तो आपका जो वेबसाइट होगा वो डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पे जिस तरह से आपको विजिबल होता है, जो पेज विजिबल होता है उसी तरह से आपका विजिबल होने लग जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी मैं डेस्कटॉप मोड में हूँ और यहाँ पे जा करके मैं मोबाइल मोड में वापस से जा सकता हूँ। मतलब जो स्विच होता है ना वो यहाँ पे होता है सफारी ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड का और यहाँ पे मोबाइल वेबसाइट का। बाकी यहाँ पे स्पेस सेटिंग वेटिंग भी कर सकते हो, तो अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।